सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय। मैं हूँ आपका होशार और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। पहले तो आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो मुझे माफ़ कर देना, अगर बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो मैं रूम से थोड़ा बाहर जाके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा रूम में काम चल रहा है इसलिए रूम के बाहर बनाना पड़ रहा है वीडियो, एंड अगर साउंड आ रहा है बाहर से तो माफ़ कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाइट पास 14 के बारे में, ठीक है, सीज़न 14 इलाइट पास के बारे में। सो इसका कुछ थोड़ा बहुत रिव्यू मिला मुझे तो वह बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल बटन को क्लिक कर दो, साथ वाले घंटी भी दबा देना। कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा, या तो लाइव स्ट्रीम करूँगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ इलाइट पास सीज़न 14 के बारे में। तो इसका मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले हैं, पूरा फुल तो नहीं मिला लेकिन देखते हैं, अभी दिखाते हैं हम। तो चलो ये देख लो हमारा इलाइट पास का कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो ये है लेडीज़ का, सॉरी फीमेल, तो फीमेल ड्रेस ऐसा होगा, देखने में अच्छा लग रहा है। एंड मैंने पहले जो बताया था उसके लिए माफ़ कर दो, मैंने कम डिटेल में डाल दिया था कि ये होगा लेकिन वो नहीं है, ये है। तो ये है बैनर, एडवांस सर्वर में है ये। सो अभी एडवांस सर्वर में पूरा शो नहीं हुआ अभी तक, तो उसके लिए। और ये गन आपको देखने को मिलेगा, गन स्किन आई थिंक होगा ये, तो ये गन स्किन आपको देखने को मिलेगा। एंड बैनर और जो लोगो प्रोफाइल होगा वो आपको देखने को मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से ये थोड़ा अच्छा इलाइट पास हो सकता है, क्योंकि अभी तक पूरा रिवील नहीं हुआ कि इलाइट पास तो वही होगा लेकिन इसके साथ क्या क्या है वो अभी तक पूरा रिवील नहीं हुआ। तो वो देखते हैं, मैं जब पूरा रिवील हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको तुरंत और एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत करो, जल्दी आ जाएगा। और ये इमोट आपको देखने को मिलेगा इलाइट पास में, नया इमोट है, तो ये इमोट आपको इलाइट पास में देखने को मिलेगा। बेहतरीन इमोट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक दिखा नहीं मैंने। ये ओबी 16 अपडेट के बाद ये इमोट सब अनलॉक हो जाएगा, तब आप देख पाओगे। तो एक बैग पैक आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे डाउनलोड दिखा रहा है, मतलब अभी तक शो नहीं हुआ पूरा, लेकिन इलाइट पास तैयार हो चुका है लॉन्च होने के लिए, बट अभी तक पूरा गरेना ने रिवील नहीं किया, सीक्रेट रख रहा है क्योंकि सबको देना सही नहीं है। और ये रहा हमारा मेल का ड्रेस। तो मेल का ड्रेस अगर आपको एक मूवी था वो मूवी से ये कॉपी करके बनाया गया है, वो मूवी का नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ उसमें एक छोटा सा चीटी जैसा रहता है तो उसमें ये ड्रेस है उस लड़के का, तो ये उस ड्रेस को देखते हुए बनाया गया है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया है, एंड इसका टोपी वगैरह आप देख सकते हो अच्छा है। तो ये आने वाला है इलाइट पास सीज़न 14 का। एंड अभी जो मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो इंडोनेशिया से चल रहा है आई थिंक, तो अभी बाकी है। और ये नया करेक्टर तो आपको पता ही होगा, एडवांस सर्वर जिसने भी यूज़ किया होगा तो ये नया करेक्टर आने वाला है। तो मैं आगे तक दिखाऊंगा सब ए टू जेड डिटेल्स, देखते रहो वीडियो को पूरा अंत तक। और फिर से बता दूँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरा आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो इस लाल बटन को क्लिक करके साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दो, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट आएगा ये जो जोन है टॉक्सी जोन, मेरे हिसाब से मैं जैसे बता रहा हूँ टॉक्सी जोन होगा शायद। तो ये जोन क्या कर गया बता दूँ, जोन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, आपको डेंजर दिखाएगा दो तीन बार, उसके बाद वो वहाँ पे वो जोन बनेगा येलो जोन जैसा, टॉक्सी जोन है मेरे हिसाब से। तो वो एक जहरीला गैस होगा जिसमें आपको मतलब आपका जो डैमेज होगा बहुत सारा डैमेज हो जाएगा, अगर आप उस जोन के अंदर रहते हो तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो जोन देखो यहाँ पे दिखा रहा है तीन बार चार बार दिखा रहा है, और उसके बाद ये जोन शुरू हो जाएगा, देख सकते हो मैप पे देखो, और ये जोन देखो जोन शुरू हो गया जिसके कारण आपका हेल्थ एकदम कम हो रहा है। तो ये इस जोन का मतलब खासियत है, अगर आप जोन के अंदर रहते हो, इसके अंदर डेंजर जोन जैसा है लेकिन डेंजर जोन से थोड़ा ये अलग है। डेंजर जोन में तो आप सीधा नॉक हो जाते हो लेकिन इसमें आपका हेल्थ कमते कमते जाएगा, ठीक है। तो ये डेंजर जोन शुरू होने से पहले तीन बार वार्निंग दिखाएगा, तो वो वार्निंग के अंदर आपको हट जाना है। तो ये जोन का वही फ़ायदा है, टॉक्सी जोन है मेरे हिसाब से, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरा मतलब थोड़ा अगर गड़बड़ हो तो माफ़ कर देना। तो ये जोन का यही काम है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारा ये करेक्टर को लेके, मैंने बताया था नया करेक्टर आने वाला है, बस इसका हमने एडवांस सर्वर में कुछ देखा था, बस उसका कपड़ा वपड़ा नहीं देखा, बस ऐसे ही करेक्टर देखा था। बट इसका एबिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ, इसका शायद साइलेंसर का कुछ ताल्लुक है, अगर आप मजल वजल नहीं लगाते हो तो शायद ये डैमेज बराबर देगा मजल नहीं लगाने से भी, और शायद आपको गोली करने से शायद बंदा से आपको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ से बंदा मार रहा है, आई थिंक कुछ इस तरह का रिलेटिव हो सकता है। मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में लेकिन हाँ मेरे जितना नॉलेज है वही बता रहा हूँ। तो देखते हैं ये आने वाले अपडेट्स में ये कितना ऊपर हाईफाई रखता है ये करेक्टर, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे करेक्टर है। तो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे इमोट के लेके, तो पांच नया इमोट ऐड कर दिया जाएगा गेम के अंदर, तो ये इमोट्स आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ओबी 16 अपडेट के आने के बाद ये पांच इमोट ऐड किया जाएगा नया नया, तो बेहतरीन अपडेट आने वाला है ओबी 16 अपडेट। तो देखते हैं कितना सारा बदलाव आते हैं गेम के अंदर, आई होप कि गरेना कुछ नया। और एक चीज़ हम
तो जहाँ बात किया जाए, मैंने जो बोला था अभी अभी और एक नया अपडेट आने वाला है, इस इवेंट अपडेट है सॉरी मेरे हिसाब से, तो आपको म्यूजिक क्यूब में ये ड्रेस मिलने वाला, ये लक रॉयल में था पहले, तो ये सब अभी फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है गरीना, तो ये एक अच्छी बात है। आपको अगर चाहिए, आपके पास म्यूजिक क्यूब है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मस्त ड्रेस है ये। हमारा पहले बहुत पहले डायमंड लक रॉयल पे आया था, ठीक है, तो ये डायमंड लक रॉयल पे था, अभी फिर से गरीना अभी म्यूजिक क्यूब पे दे रहा है, तो एक बड़ा अच्छा सा इवेंट है मेरे हिसाब से, तो अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। और गाइस रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो सॉरी बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रहा है तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, घर में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए बाहर बनाना पड़ रहा है, तो बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है तो उसको इग्नोर करना और माफ़ कर देना। और ये हमारा जो रैंक का जो लोगो होगा तो कुछ इस तरह का होगा हमारा नेक्स्ट रैंक का, तो ये कुछ अजीब है मेरे हिसाब से, कुछ चेंज है, बहुत सारे चेंजेस है, तो ये गोल्ड का है, तो डायमंड हीरो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बस गोल्ड का ही मिला है, तो देखते हैं। अगर आपको मुझे अपडेट मिलता है तो आपको तुरंत अपडेट बता दूंगा, तो अगर आपको अपडेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा कि तुरंत आते ही आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट मैंने बताया था जो जोन था, जोन टॉक्सी जो कुछ है वही, तो इसका जोन का मैंने जो बताया था साइड इफेक्ट वही है, अगर आप जोन के अंदर रहते हो तो आपको डैमेज मिलेगा, और अगर आप जोन से बाहर नहीं जाते, अगर आप स्क्वाड खेलते हो तो आप नॉकडाउन हो जाओगे, और अगर सोलो खेलते हो तो आप सीधा मतलब मर जाओगे, तो जिसके कारण आपका लॉस ही होगा, तो इसलिए जब भी डेंजर जोन दिखाए, तो डेंजर जोन दो तरीके से होगा, एक तो हमारा है पहले से ही, और दूसरा होगा ये नया वाला टॉक्सी जोन, कुछ इस तरह ही टॉक्सी जोन वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ओबी 16 अपडेट में। तो और एक अपडेट आ रहा है, तो ये हमारा मिस्ट्री शॉप की तरह ही होगा, मिस्ट्री शॉप नहीं आपको कुछ मतलब अभी इंडोनेशिया में चल रहा है इसका वीडियो था, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग को पता चल गया होगा, और नहीं पता जिनको तो देखते हैं, अगर पता नहीं होगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड ये आपको देखने को मिलेगा, स्पिन करने में आपको बहुत सारे सामान मिलेंगे, जैसे अभी मिस्ट्री शॉप में मिल रहा है, तो मिस्ट्री शॉप में तो 10 डायमंड से नहीं मिल रहा है, मिस्ट्री शॉप का कुछ अलग है, स्पिन का ये नया स्पिन का तरीका है, तो आप स्पिन करोगे तो 10 डायमंड से तो आपको बहुत सारे सामान मिल जाएगा, तो ये आपको इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, अभी तो इंडोनेशिया में चल रहा है, हमारे सर्वर में आने में बहुत बाकी है, तो देखते हैं कब तक आ जाता है, तो आ जाएगा तो जल्दी तो बहुत बढ़िया। सो गाइस ये सब अपडेट आपको ओबी 16 अपडेट में मिल जाएगा, तो ये जल्दी आने वाला है, आई थिंक 28 डेट को आ जाएगा ये अपडेट्स, तो इलाइट पास के लिए जब इलाइट पास पूरा ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, तब मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा, अभी तो बस इसका छोटा मोटा रिव्यू मिला है, बट ये इलाइट पास कंफर्म हो ही आएगा, ठीक है, और मैंने जो कंप्लीट डाला था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बताया था जो भी मुझसे गलती हो जाए मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा तुरंत, तो उसके लिए माफ़ कर दो, उसका शायद अलग से मिनिमम मेरे हिसाब से उसमें डायमंड लक रॉयल में कुछ ड्रेस आएगा जिसके कारण उसमें वो बैनर लगाया गया है, ठीक है, तो तुरंत जब अपडेट आएगा मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इन्फॉर्म पाने के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन को क्लिक करके वाइट कर दो, और साथ में बेल आइकन दबा के उसके अलर्ट रख दो, ठीक है, तो जब भी वीडियो डालूंगा या तो लाइव स्ट्रीम करूंगा तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों ने कसम से बहुत प्यार दिया यार, इतना प्यार मतलब मैंने सपने में नहीं सोचा था, एंड आपने फाइनली 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, ये मतलब मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच आप सबको दिल से। एंड डेली हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, उन सब का भी दिल से स्वागत करता हूँ इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, और आप ऐसे ही प्यार देते जाओ, ऐसे सपोर्ट करते जाओ, एंड आई होप कि हम 1 मिलियन तक भी पहुँचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर ऐसा प्यार मिलता रहा तो, ठीक है। एंड आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट रहा है यार, तो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे, तो मैं मिलूंगा एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, आई सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। नागरी से नाम होने से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी ऊपर भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ाया रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से, भटके जो लेते झड़प पैसा हटा वटा ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने। हाँ।